जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती, अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम अपने वीडियो में आपको एक बंगाली कृष्ण भोग की रेसिपी दिखाएंगे। ये सिर्फ कृष्ण भोग ही नहीं है, बहुत सारे ओकेजन में बहुत सारे लोगों के घर में ये बनता है। वो है सौंदेश मलाई पूरी। हमारे एक सब्सक्राइबर भैया हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे घर में जन्माष्टमी में कौन सा स्पेशल भोग बनता है। तो हमारे घर में जन्माष्टमी में यही स्पेशल भोग बनता है, और भी बहुत सारे भोग बनते हैं लेकिन उसके साथ ये भी बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये भोग आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये भोग काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है ये भोग, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में ही नहीं, बहुत सारे लोगों के घर में ये जन्माष्टमी के दिन भोग लगता है। ये एक स्पेशली बंगाली डेजर्ट है और बहुत सालों से हमारे घर में बनता आ रहा है, और हमारे पड़ोसी भी हैं उनके घर में भी बनता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में ये बनता है, और इसका नाम है सौंदेश मलाई पूरी। मैदा, सौंदेश और दूध से बना हुआ ये काफ़ी अच्छा रेसिपी है। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सौंदेश मलाई पूरी। तो अभी हम अपने किचन में हैं, और मलाई सौंदेश पूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाना पड़ेगा मलाई। मलाई मतलब पतली सी एक रबड़ी हमें चाहिए होगी, लेकिन ये जो रबड़ी है दूध को उबाल के आप उसको रिड्यूस करके ये रबड़ी बना सकते हैं, लेकिन हमें मिल्क पाउडर फ्लेवर वाला रबड़ी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध गर्म कर लिया है, वो अभी धीरे धीरे उबलने लगा है। जब ये उबल के रिड्यूस होके 300 ml रह जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। हमें इसमें जो मलाई चाहिए या फिर जो रबड़ी चाहिए वो मिल्क पाउडर फ्लेवर का होना चाहिए, तो हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। और इसमें कोई साफ़रन वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि हर चीज़ में साफ़रन अच्छा नहीं लगता। इसमें हम इलायची का फ्लेवर ही देंगे, जो ट्रेडिशनल बंगाली मिठाई होती है। अभी तो खैर साफ़रन बहुत यूज़ होता है, लेकिन वो इलायची से ही बनता है। तो अभी हम इसमें इलायची डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे और उसको ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें ठंडी रबड़ी चाहिए होगी इसमें। गरम ना तो हमें पूरी चाहिए, गरम ना ही हमें मलाई चाहिए। तो अभी ये उबलने लगा है, जैसा मैंने कहा ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे इलायची। मैं यहाँ पर दो इलायची डाल रही हूँ, साबुत इलायची मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 2 teaspoon दे रही हूँ मिल्क पाउडर, लेकिन भर के दे रही हूँ, बस ये हो गया इतना। मिल्क पाउडर का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप बंगाल कभी आए होंगे या फिर बंगाली मिठाई आपने ट्रेडिशनल बंगाली मिठाई खाई होगी, वो थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि बहुत सारे रेसिपीज़ में मिल्क पाउडर दिया जाता है, और वो जो स्पेशल बंगाली मिठाई की जो खुशबू आती है, टेस्ट आता है ना, वो मिल्क पाउडर से आता है। और बंगालियों को मिल्क पाउडर मिठाई में डालना बहुत पसंद है, और हमारे घर में जितनी सारी मिठाइयाँ बनती हैं 90% ऐसे होते हैं जिसमें दिया जाता है मिल्क पाउडर। और अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ताकि दूध के साथ अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर अगेन आप इतना ही डालें जितना मीठा आप खा सकें, या फिर जितना मीठा आप खाना चाहें। मैंने यहाँ पर 4 tablespoon दिया है शक्कर। अभी अगर आपने मिल्क पाउडर डाल रखा है तो आपको कंडेंस मिल्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमें इसमें मिल्क पाउडर के फ्लेवर वाला रबड़ी ही चाहिए। और ये धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो गया है। अभी देखिए ये अच्छे तरीके से बनके तैयार हो गई है। इस कंसिस्टेंसी में हमें इसको रखना है, क्योंकि जब हम इसमें पूरियाँ डालेंगे तो वो भी थोड़ा सोक करेगा, अगर बहुत मोटा होगा तो सोक नहीं कर पाएगा, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी मोटा हो जाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी में हमको रखना है इसको। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा मतलब पूरी तरीके से आपको ठंडा करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, ना पूरियाँ गर्म होगी और ना ही ये रबड़ी गर्म होगा। तो रबड़ी हमने बना लिया है, उसको ठंडा भी कर लिया है। तो अभी हम पूरी बनाएंगे, और ये वाली पूरी जो है हम मैदा से बनाएंगे, जिसको लूची कहते हैं।
और इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है और उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है और एक चम्मच मैंने देसी घी डाला है इसमें, ताकि हम इसमें मोइन लगा सकें। मैं यहाँ पे बहुत कम दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि वापस से मुझे इसको कल भी बनाना है, क्योंकि जन्माष्टमी कल है तो मुझे आप कल भी इसको बनाना है, इसलिए मैं आज बहुत कम बना रही हूँ। और मैदा मैंने लिया है, नमक लिया है, थोड़ा सा घी मैंने डाला है इसमें, थोड़ा सा नहीं एक बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है, क्योंकि इसमें का खस्ता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने सौंदेश लिया है, सौंदेश को मैंने मैश कर लिया है, क्योंकि ये सौंदेश पूरी है तो आपको सौंदेश चाहिए होगा। लास्ट ईयर आपको याद होगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने राधाष्टमी पर डाला था खोया की पूड़ी, वो भी बंगाल में बहुत बनती है, तो खोया की पूड़ी मैंने बनाई थी, उसमें मैंने खोया दिया था, लेकिन इसमें मैंने प्रॉपर संदेश दिया है, ये संदेश है, तो मैंने उसको मैश कर लिया है और इसको हमें छोटा छोटा बॉल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको गूंद लेते हैं, गूंदने के बाद ये जो बॉल्स हम बनाएंगे खोया का, इसके ऊपर इसके अंदर भरकर उसको हम बेलेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसका एक नरम सा हमें इसका एक डो बना लेना है। तो सबसे पहले जो घी हमने लिया है मैदे के साथ मिलाकर, उसको हम अच्छी तरीके से मोइन कर लेंगे, क्योंकि इसका खस्ता होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें घी डाल रही हूँ, अमूमन इसमें घी ही जाता है, क्योंकि घी डालने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद ना हो तो। तो मोइन हमने लगा लिया है, ये देखिए मोइन हमने लगा लिया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंधेंगे। जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, उसी हिसाब से हमें एक डो चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे सौंदेश का, वो फटके नहीं निकलना चाहिए बाहर, बस इसकी वजह से उसी हिसाब से हमें एक डो बनाना है। देखिए एक अच्छा सा डो हमारा बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ पर चार पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर पांच पेड़े काट लिए हैं और ये छोटा सा है, पांच पेड़े हैं और चार हिस्सों में मैंने बांट लिया है। जो सौंदेश हमने लिया था उसका भी हमने बॉल्स बना लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बॉल्स हमने सौंदेश का बनाया है, उसको जो डो हमने बनाया है मैदा का, उसके अंदर भर के उसको अभी बेलेंगे हम। तो अभी देखिए, सारे पेड़ों के अंदर हमने जो सौंदेश हमने लिया था उसको भर लिया है, तो अभी हम इसको बेलेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि हम उसको मैदे के साथ बेलेंगे, ताकि अगर कहीं पर कोई फट गया हो तो जो सौंदेश हमने डाला है वो ना निकले। और धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस करके, धीरे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे उसको हमें इस तरीके से बेलना है। और बहुत छोटा छोटा हमें इसको बनाना है। तो अभी घी मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा है, तो चलिए अभी हम उसको तलते हैं। अभी देखिए, घी हमने ऑलरेडी गरम करके रखा है और ये अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ये लूची है, हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, जो पहला पूड़ी है हमारा, ये बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए, और ये फूला भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई फूलेगा, कोई एक दो फट भी सकते हैं, क्योंकि सौंदेश है तो वो फट भी सकता है, लेकिन जो हमने पहले डाले थी वो अच्छी तरीके से निकल आई है। ये देखिए, इस तरीके से हमें निकालना है। तो मैं बाकी जो चार हैं उसको बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी देखिए, जो पूड़ियाँ हमने बनाई थी ये बन के तैयार है। एक पूड़ी उसमें से बीच में फट गई और उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो बाकी जो चार हैं मैं उसको दिखा रही हूँ। और ये है रबड़ी, ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और ये भी ऑलमोस्ट ठंडी ही हो चुकी है। तो जब हम घर में देते हैं तो उसको बोलते हैं पोरा था,
वो पत्थर का होता है, उसमें हम पूरियों को या फिर जो लूची है उसको सेट करते हैं और उसके ऊपर इसको डालते हैं, तो वो क्या होता है ना अच्छे तरीके से सेट होके रहता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से प्लेट में आपको दिखा रही हूँ करके, तो जो रबड़ी हमने बनाई थी पतली सी रबड़ी, उसको हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे इन पूरियों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जितना हमने बनाया है रबड़ी हमें सब डालना है, अगर गर्म होगा और हम इसको डाल देंगे तब क्या होगा ना ये सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम जितना लगेगा सिर्फ उतना ही देंगे, ऐसा नहीं है जैसा मैंने कहा कि हमें सारी रबड़ी जितना हमने बनाया है देना है। वैसे भी मैंने यहाँ पर सिर्फ चार ही बनाए हैं, तो बस हमें कवर कर लेना है जितनी भी पूड़ियाँ हैं। अगर ठंडी पूड़ियाँ होगी जैसा मैंने कहा कि सिकुड़ेगा नहीं, जाएगा मलाई उसके अंदर जाएगा लेकिन ये सिकुड़ेगा नहीं। तो बस इतना जितना हमने रबड़ी बनाई थी, देखिए मैंने आधा ही यूज़ किया है। तो अभी हमें इसको वैसे तो जब भोग लगता है भगवान के पास एक डेढ़ घंटे तक वैसे भगवान के पास रहता है, क्योंकि जितने टाइम पर पूजा होती है ये भोग वहाँ पर रहता है। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहें 15 से 20 मिनट के बाद यूज़ कीजिए, क्योंकि तब तक क्या होगा ना पूड़ियों के अंदर अच्छी तरीके से रबड़ी चली जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी सौंदेश पूरी है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये है सौंदेश पूरी जो बनके तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने मतलब जानना चाहता कि हमारे घर में क्या बनता है, तो ये यही हमारे घर में बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है लेकिन स्पेशल ये हमारे घर में बनता है, और हमारे घर में नहीं जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में ये बनता है। तो मैं आज इसके आपके लिए लेकर आई हूँ, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, राधे कृष्ण।